नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं जोमेटो लिमिटेड के ऊपर, जहां पे अभी प्राइस चल रहा है 54 का, -5.76% की गिरावट है दोस्तों। अब ये स्टॉक एक ऐसे लेवल के ऊपर आ गया है जहां से दोस्तों रिकवरी होने के चांसेस है। लास्ट टाइम लाइफ टाइम लो यहीं पे बनाया था। और दोस्तों 22 जुलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है ये स्टॉक के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है और आगे की रणनीति क्या होगी स्टॉक में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। आज की क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें तो दोस्तों 10,68,93,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है और डिलीवरी क्वांटिटी है 1,93,77,969 की। डिलीवरी का जो परसेंटेज है दोस्तों वो है 18.13%, जो काफी अच्छा दोस्तों परसेंटेज है। बट दोस्तों ये जो लेवल है जहां पे दोस्तों कंटिन्यूअस वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है, मैं आपको चार्ट के ऊपर सीधा ले जा रहा हूं। और यहां पे आप देखें कि 27 जुलाई से जब ब्लिंकिट का जो न्यूज आया दोस्तों, उसके बाद कंटिन्यूअस गिरावट यहां पे आपको दिख रही है। और यहां पे आप नीचे वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम में भी जबरदस्त इजाफा आया है, तो वॉल्यूम के साथ गिरावट हो रही है। और पिछले एक महीने में भी बात करें तो दोस्तों 27% की गिरावट हो चुकी है और 6 मंथ के अंदर देखा जाए तो दोस्तों 61.80% की गिरावट है। एक साल के अंदर 57% की गिरावट यहां पे दिख रही है आपको। तो दोस्तों जब आईपीओ आया उसके बाद काफी अच्छा रिवॉर्ड भी मिला था, बट उसके बाद दोस्तों जब आईपीओ का लेवल तोड़ दिया और तब भी बोला था कि उसके बाद अब रिकवरी आने की संभावनाएं नहीं है, और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया और आईपीओ के प्राइस ही वहां से नीचे आ गया है। अब दोबारा दोस्तों डबल बॉटम की जगह पे आ गया है, बॉटम जहाँ पे है वहीं पे आ गया है। ब्रोकरेज के टारगेट क्या है वो भी समझने की कोशिश करते हैं, क्या 50 के लेवल से यू टर्न आएगा या नहीं, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर दोस्तों। 29 जून का दोस्तों आप देखेंगे डिलीवरी दोस्तों देखिए 16.8% है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम है। 28 जून जहां पे 12 करोड़ से के आसपास दोस्तों वॉल्यूम है और 23.1% का डिलीवरी परसेंटेज है। 27 जून 2022 का आप देखिए तो दोस्तों 11 करोड़ का वॉल्यूम है और आपको डिलीवरी परसेंटेज है 26.1%, और हर बार बहुत ही बड़े पैनिक के साथ गिरावट आई है दोस्तों। जो ब्लिंकिट के साथ डील हुआ है जोमेटो का, उसकी वजह से जोमेटो का जो वैल्यूएशन में दोस्तों जो प्रॉफिट अभी जो बनने वाला था वो अब एक साल और ज्यादा दोस्तों रुकना पड़ेगा इन्वेस्टर को प्रॉफिट के लिए। और क्यों? क्योंकि दोस्तों जो ये डील हुई है उसकी वजह से जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों एक साल डिले होगी, और उसकी वजह से ही यहाँ पे पैनिक आया हुआ है दोस्तों। अब टारगेट के ऊपर नजर करें तो दोस्तों जेएम फाइनेंशियल ने 115 का टारगेट दिया है जोमेटो का, और बोला है बाय जोमेटो टारगेट प्राइस ₹115 का। बट यहाँ पे आपको एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 22 जुलाई बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। क्यों 22 जुलाई इंपॉर्टेंट डेट है? क्योंकि दोस्तों जो प्री आईपीओ का दोस्तों इन्वेस्टर थे उनका लॉक इन पीरियड उस दिन खत्म हो रहा है, यानी कि उस टाइम पे सप्लाई और भी आ सकता है ये स्टॉक के ऊपर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अब हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे 50 का जो लो बना था वहां से यहाँ पे रिकवरी आने की संभावनाएं बढ़ेगी या नहीं। तो एक चीज दोस्तों मार्क कर लीजिए कि दोस्तों 20 डेज मूविंग एवरेज हाई एंड लो से दोस्तों यहाँ पे भी दूर था, और यहाँ पे भी जो स्टॉक है वो वहां से दूरी है दोस्तों कैंडल। तो एक बड़ी चीज है कि दोस्तों 20 डेज मूविंग एवरेज से दूर रहेगा तो वहां से बाउंस बैक होता ही है स्टॉक दोस्तों। कोई भी स्टॉक हो गिरावट हो बट उसके बाद थोड़ा सा बाउंस बैक आता है। अब पिछली बार जो था दोस्तों जब गिरावट आ रही थी तब वॉल्यूम इतने ज्यादा नहीं थे दोस्तों, बट इस बार ये न्यूज के ऊपर पर्टिकुलरली वॉल्यूम आया है तो कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों गिरावट आई थी तब तक दोस्तों सेम वॉल्यूम था, बट जब बढ़ा तब वॉल्यूम में इजाफा आया था। तो यहाँ पे देखना है कि इससे ज्यादा अगर वॉल्यूम हमें मिलता है तो यहाँ से टर्न अराउंड हमारे लिए आ सकता है। दूसरी बड़ी चीज दोस्तों यहाँ पे आपके सामने RSI है, और RSI आप देखेंगे कि दोस्तों ओवरसोल्ड पोजीशन के ऊपर आ गया था एट दैट टाइम, जब दोस्तों ये जो कैंडल बना था 50 के आसपास का और उससे थोड़ा सा ऊपर ही था दोस्तों, बट अभी भी वो आया नहीं है। और जो 9 to 14 का जो क्रॉस ओवर था वो भी दोस्तों हुआ था, बट यहाँ पे वो होने में बहुत ही ज्यादा चांसेस बनेंगे। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि पिछली बार जो हालत थी वहां से यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी होने के चांसेस थोड़ा आपको मिल सकते कम है, बट यहाँ पे कल का दिन और दो दिन दिखते हैं जब 50 का लेवल टच करता है तब वॉल्यूम हमारे लिए बहुत ही मैटर करेगा। एक बार वॉल्यूम के साथ अगर अपवर्ड मूवमेंट आती है तो फिर रुकावट जो है दोस्तों यहाँ से रुक जाएगा, और फिर हमें फिर से दोबारा दोस्तों
70 के लेवल आपको देखते हुए मिलने को मिलेंगे दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।